दोस्तों पिछले वीडियो पे हमने देखा था किस तरह से हम एक ड्राइव को कम्प्लीटली फॉर्मेट कर सकते हैं ताकि दूसरे कोई पर्सन उस ड्राइव में से डेटा को रिकवर ना कर पाए किसी भी तरह का थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए भी। तो इस काम को करने के लिए हमने तब एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज में लिया था। उस वीडियो पे मैंने बताया था कि सिचुएशन पे हमें इसे यूज में लेना है। अगर आपने वो वीडियो को अभी तक नहीं देखा और देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक को फॉलो करते हुए आप उस वीडियो को देख सकते हो। फिर भी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। सपोज आप आपके लैपटॉप या फिर हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव जो है उसे किसी दूसरे पर्सन को सेल कर रहे हो और उससे पहले स्टोरेज टाइप को आप नॉर्मल तरीके से फॉर्मेट करके दे देते हो जो कि हम यूजुअली करते हैं और आप सोचते हैं अब हमारा डेटा उस पर्सन के हाथ में नहीं लगेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। वो किसी भी रिकवरी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए उस डेटा को इजिली रिकवर कर सकते हैं। हो गई ना गलती। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन के लिए पिछले वीडियो पे हमने देखा था एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए कैसे हम एक स्टोरेज ड्राइव में से डेटा को वाइप आउट कर सकते हैं और आज हम देखेंगे कमेंट प्रॉम्प्ट के मदद से इस काम को करना। तो अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंत तक देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं तपस पॉल, आप सभी को फिर एक बार बहुत स्वागत करता हूं टेक टिप्स एक्सप्रेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एंड उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। सो विदाउट फर्दर एडो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली होता यह है किसी भी स्टोरेज टाइप कुछ अलग अलग सेक्टर पे बटे हुए रहते हैं जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। अब जब हम उसे नॉर्मल तरीके से फॉर्मेट करते हैं तब उस डेटा का जो इंडेक्स फाइल है वो रिमूव हो जाता है, लेकिन हर एक सेक्टर पे डेटा जो है वो तभी भी एग्जिस्ट करता है जब तक आप किसी और दूसरे डेटा के साथ उस सेक्टर को ओवरराइट ना कर दो। ओके, चलिए बाकी कॉन्सेप्ट हम आगे जाके देख लेते हैं। तो इस काम को करने के लिए आप सर्च बार पे टाइप कीजिए CMD और सर्च रिजल्ट में से आप कमेंट प्रॉम्प्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हुए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने कमेंट प्रॉम्प्ट के एक विंडो ओपन हो चुके हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जिस स्टोरेज ड्राइव का डेटा को आप वाइप आउट करना चाहते हो उस ड्राइव का जो वॉल्यूम है उसे पता कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ ड्राइव एक्स पे जितने भी फाइल्स है उसे वाइप आउट करना ताकि किसी भी तरीके से डेटा को रिकवर ना किया जा सके इस ड्राइव में से। और इस ड्राइव का जो वॉल्यूम लेवल का नाम है वो है टेक टिप्स एक्सप्रेस। ओके, वापस कमेंट प्रॉम्प्ट में चलते हैं। अब कमेंट टाइप करना है फॉर्मेट स्पेस एक्स क्लोन स्पेस स्लैश fs क्लोन ntfs स्पेस स्लैश pclone1। यहाँ पे फॉर्मेट का मतलब हम फॉर्मेट करना चाहते हैं किसे, न ड्राइव एक्स को। और fs क्लोन ntfs यहाँ पे फाइल सिस्टम जिसके मदद से हर एक सेक्टर को हम पहले जीरो से राइट करेंगे देन फॉर्मेट। फिर P इसका मतलब है लूप। बेसिकली हम सिस्टम को बता रहे हैं हर एक सेक्टर को हमें एक बार के लिए ही जीरो से ओवरराइट करना है, इसलिए 1। अगर आप चाहते हो 2 टाइम्स ओवरराइट करना तो आप 1 के जगह 2 दे सकते हो। बेसिकली जरूरत नहीं पड़ती है फिर भी। ओके, अब आपको एंटर प्रेस कर देना है। अब हमसे पूछा जा रहा है एक्स ड्राइव जो है उसका करंट वॉल्यूम लेवल का नाम, जैसे कि मेरे केस में टेक टिप्स एक्सप्रेस है तो मैं टाइप कर देता हूँ एंड हिट एंटर। अब यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज शो हो रहा है तो हमें वाई टाइप करते हुए एंटर प्रेस कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इस प्रोसेस में पहले सिस्टम एक्स ड्राइव पे जितने भी सेक्टर है उसे जीरो से ओवरराइट करेगा एग्जिस्टिंग डेटा को जीरो से रिप्लेस करते हुए फिर फॉर्मेट, जिसके वजह से टाइम यहाँ पे कंज्यूम होगा अकॉर्डिंग टू योर स्टोरेज ड्राइव स्पेस। जितना बड़ा स्पेस होगा उतना ही टाइम लगेगा। अगर आप यहाँ पे 1 के जगह 2 देते और ज्यादा सेफ्टी के लिए तो ये प्रोसेस 2 बार के लिए लूप होता है, फिर टाइम कंज्यूमिंग जो है वो डबल हो जाता। तो आपको सिंपली वेट करना है प्रोसेस कम्प्लीट होने तक। ओके, तो प्रोसेस कम्प्लीट होने पर आपको कुछ इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पे ड्राइव वॉल्यूम का एक नाम दे देना है। मेरे केस में पहले जो था वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ जो कि है टेक टिप्स एक्सप्रेस एंड हिट एंटर। उसके बाद आपका जो स्टोरेज ड्राइव है वो फॉर्मेट होके आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरह, जहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल डिस्क स्पेस कितना है और अवेलेबल स्पेस कितना है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से हम हमारे स्टोरेज ड्राइव पे जितने भी डेटा है उसे वाइप आउट कर सकते हैं और वो भी कमेंट प्रॉम्प्ट के मदद से, ताकि हमारे स्टोरेज ड्राइव में से डेटा को रिकवर ना किया जा सके। आप एक बार ट्राई जरूर करें और नीचे कमेंट पे शेयर जरूर करें आपका एक्सपीरियंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट में जाकर भी बता सकते हैं और इसी तरह हेल्पफुल वीडियोस के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।
We'll be right back.